अच्छा, इसमें जो है ना अब एंशियस डिस्ट्रेस के साथ एक और सीवियरिटी आ जाती है, स्पेसिफिक करंट सीवियरिटी। इसमें जो है ना हमने माइल्ड, मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सीवियर एंड सीवियर सिम्टम्स को देखने होते हैं। अगर टू ऑफ द सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो फिर हम माइल्ड की जो है ना एंशियस डिस्ट्रेस के साथ माइल्ड करंट सीवियरिटी देते हैं। अगर मॉडरेट हो तो थ्री सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर फोर और फाइव सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो उस वो जो है ना फिर जाके, अगर फोर सिम्टम्स हो तो मॉडरेट शो करता है, अगर फाइव सिम्टम्स हो तो सिवियर शो होता है। और सॉरी, अगर मॉडरेट टू सिवियर हो तो फोर और फाइव सिम्टम्स होते हैं, और अगर सिवियर हो तो फोर और फाइव सिम्टम्स सारे प्रेजेंट होते हैं विद मोटर एजिटेशन। मोटर एजिटेशन जिस तरह मैंने आपको समझाया था, साइकोमोटर एजिटेशन का, ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है, दैट एंशियस डिस्ट्रेस हैज बीन Noted as a prominent feature of both bipolar and major disorder. Anxious distress जो symptoms है, ये एक prominent feature है bipolar disorder and major depressive disorder का, in both primary care and specialty mental health settings. ठीक है, दोनों settings में जो primary care settings है और specialty mental हेल्थ सेटिंग्स है वहाँ पे जो है ना ये एक प्रोमिनेंट फीचर है इन दोनों डिसऑर्डर का, एंशियस डिस्ट्रेस। हाई लेवल ऑफ एंजाइटी हैव बीन एसोसिएटेड विद हायर सुसाइड रेट। हाई लेवल ऑफ एंजाइटी जो है ना एसोसिएट किया गया है हायर सुसाइड रिस्क के साथ, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस के साथ, एंड ग्रेटर लाइवलीहुड ऑफ ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट इज क्लिनिकली यूजफुल टू स्पेसिफाई एक्यूरेटली द प्रेजेंस एंड सिवियरिटी लेवल ऑफ एंशियस। इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम क्लिनिकली इस चीज को स्पेसिफाई करें एक्यूरेटली, किस चीज को, प्रेजेंस ऑफ एंशियस डिस्ट्रेस के सिम्टम्स को और सिवियरिटी लेवल ऑफ एंशियस डिस्ट्रेस को, व्हेन एवर वी आर प्लानिंग ट्रीटमेंट। और फिर जाके उस ट्रीटमेंट को जब हम मॉनिटर करते हैं उस क्लाइंट के रिस्पॉन्स के मुताबिक, तो उसके लिए हमारे ये इम्पोर्टेंट है कि हम जाके एंशियस डिस्ट्रेस की प्रेजेंस और सिवियरिटी लेवल को जाके चेक करें, ठीक है। ये था एंशियस डिस्ट्रेस का वो स्पेसिफायर। अब आते हैं मिक्स फीचर का स्पेसिफायर। मिक्स फीचर्स मीन जब सिम्टम्स की मिक्सचर आ रही होती है, ठीक है। द मिक्स फीचर स्पेसिफायर कैन अप्लाई टू द करंट मैनिक, हाइपोमैनिक एंड और डिप्रेसिव एपिसोड इन बाइपोलर वन और बाइपोलर टू डिसऑर्डर, ठीक है। मैनिक और हाइपोमैनिक इसमें आ जाता है विद मिक्स फीचर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना क्या होता है, मिक्स फीचर होते हैं, साथ में जो है ना मैनिक हाइपोमैनिक के साथ जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फुल क्राइटेरिया आर मेट फॉर अ मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया कि दैट फुल क्राइटेरिया जो है ना इन दोनों के लिए मीट कर रहा हो, एंड एटलीस्ट थ्री ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग मेजोरिटी ऑफ द डेज ऑफ द करंट और मोस्ट रिजेंट ऑफ मेनिया और हाइपोमेनिया, ठीक है। सिम्टम्स जो है क्राइटेरिया फुल मीट हो रही हो मैनिक एपिसोड और हाइपोमेनिक के लिए, एंड एटलीस्ट थ्री ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स जो है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द रिसेंट एपिसोड ऑफ मेनिया एंड हाइपोमेनिया प्रेजेंट हो, तो वो सिम्टम्स कौन से हैं, प्रोमिनेंट डिस्फोरिया, डिस्फोरिया मीन्स सैड मूड और डिप्रेस मूड को कहते हैं, as indicated by either subjective report, not of subjective report mean बंदा कहते हैं like feeling sad or empty or observable by others, for example appears tearful. अच्छा, second point, diminish interest in or pleasure in all activities, ठीक है। जो activities से pleasure मिलता होता था उसमें जो है ना जाके वो interest ही जाके खत्म हो जाती थी, उससे pleasure सीखना ये जो है ना जाके खत्म हो जाता है। साइकोमोटर रिटार्डेशन नियरली एवरी डे, मतलब एक जगह पे बैठा हुआ वहां से हिलना लाइक वो हिलता ही नहीं है वो बंदा, वो जो है ना उस जगह तक जो है ना अपने आप को लिमिटेड रखता है, ठीक है। उसकी कोई मोटर एक्टिविटी बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स होते हैं, ठीक है। या सब्जेक्टिव फीलिंग्स अगर आप लोग देखें तो हर एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट एंड रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, ठीक है। वही जितने जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो क्राइटेरिया है वही सारी यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है, ठीक है। बी में क्या कहते हैं, मिक्स सिम्टम्स आर ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स एंड रिप्रेजेंट अ चेंज फ्रॉम द पर्सन यूजुअल बिहेवियर। जो मिक्स सिम्टम्स है वो बेसिकली दूसरों में जो है ना ऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है, दूसरों को, ठीक है। और बेसिकली इसके वजह से जो इंसान, जो पर्सन इंडिविजुअल की जो यूजुअल बिहेवियर है उसमें काफी ज्यादा चेंज आ जाती है।
For individuals whose symptoms met full episode criteria for both mania and depression simultaneously, the diagnosis should be manic episode with mixed feature. अगर individual एक individual है जिसके symptoms meet कर रहे हो full episode criteria for mania and depression simultaneously, तो फिर उस time पर हम diagnosis क्या देंगे? Diagnosis should be manic episode with mixed feature due to marked impairment and clinical severity of full mania. ठीक है, या hypomania हो तो hypomania के साथ जो है ना फिर हम जाके mixed episode का वो देंगे. ठीक है, वो bipolar, सॉरी हाइपोमेनिया के साथ तो वैसे भी बाइपोलर टू में जो है ना डिप्रेशन के सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाइपोलर वन में अगर आता है तो फिर वहाँ पे हम मैनिक एपिसोड विद मिक्स फीचर के डायग्नोसिस देंगे. ठीक है, जो मिक्स फीचर है इट इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस. अगर हम फिर ये तो मैनिक और मेनिया का हमने किया है, अगर हम अब डिप्रेसिव एपिसोड को मिक्स फीचर के साथ देंगे तो डिप्रेशन का फुल क्राइटेरिया मीट होगा और एटलीस्ट थ्री ऑफ द फॉलोइंग मैनिक और हाइपोमैनिक सिम्टम्स जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड प्रेजेंट होंगे. तो ये सारे क्राइटेरिया जो है ये वही जो ऑलरेडी हमने 2-3 times पढ़ी है. ठीक है, एलेटेड मूड, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, वही जो मैनिक एपिसोड की जो क्राइटेरिया थे वही यहाँ पे भी है. ठीक है, तो इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं होगी. हम क्राइटेरिया बी की तरफ आ जाते हैं डायरेक्टली. Mixed symptoms are observable by other and represent a change from the person's usual behavior. ठीक है, mixed symptoms जो है दूसरों को जो है ना काफी clearly observable होते हैं. इसकी वजह से जो उस individual की जो usual behavior है उसमें काफी change आ जाती है. Criteria C क्या है? For individuals whose symptoms meet full episode criteria for both mania and depression simultaneously, the diagnosis should be manic episode with मिक्स फीचर. इफ एक इंडिविजुअल है उसमें जो है ना फुल सिम्टम्स मीट हो रहे हैं किस कौन से एपिसोड्स की, बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन की, तो उस टाइम पे हम मैनिक एपिसोड विद मिक्स फीचर या बाइपोलर वन डिसऑर्डर विद मिक्स फीचर की डायग्नोसिस देंगे. द मिक्स फीचर आर नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, अच्छा, मिक्स फीचर एसोसिएटेड विद मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हैव बीन फाउंड to be a significant या important risk factor for the development of bipolar 1 or bipolar 2 disorder. ठीक है, जो mixed feature associate करते हैं major depressive disorder का, उसका एक important risk factor है किस चीज में? For the development of bipolar 1 या bipolar 2 disorder में. ठीक है, as a result क्या होता है? It is clinically useful कि ये चीज note किए जाए. किस चीज को? The presence of this specifier for treatment planning and monitoring of response to treatment. ठीक है, जब आप treatment plan कर रहे हो और फिर उस treatment का response देख रहे हो अपने patients में, तो उसके लिए जो है ना specifier को note down करना clinically काफी important है. अब with rapid cycling, this specifier can be applied to both bipolar 1 and bipolar 2 disorder. ठीक है, presence of at least 4 mood episodes in the previous 12 months that meet the criteria for manic, hypomanic or major depressive episode. ठीक है, presence इसमें क्या है? presence of at least 4 mood episodes in the 12 months. अगर 12 last past 12 months में जो है ना 4 mood episodes आए हो तो वो फिर क्या करता है? और वो 4 mood episode criteria meet कर रहा हो manic, hypomanic or major depressive episodes के, तो that's mean वो हम डायग्नोसिस के साथ जो स्पेसिफायर है वो रैपिड साइक्लिंग के देंगे. ठीक है, अब विद मेलनकोलिक फीचर, ये एक और स्पेसिफायर है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द मोस्ट सिवियर पीरियड ऑफ द करंट एपिसोड. क्राइटेरिया ए में से वन प्रेजेंट होना चाहिए मस्ट, एंड क्राइटेरिया बी में से जो है ना थ्री और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू give this specifier melancholic feature wala. So criteria A mein kya hai? One of the following is present during the most severe period of the current episode. ठीक है, तो एक तो ये है loss of pleasure in all or almost all activities. ठीक है, और lack of reactivity, mood reactivity की बात हो रही है to usually pleasurable stimuli. ठीक है, and hedonia जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो इसमें से at least एक present होना चाहिए. Three or more of the following criteria B में से जो है ना three or more of the following होने चाहिए. A distinct quality of depressed mood characterized by profound means severe से भी ऊपर होता है. ठीक है, तो profound dispotency hopelessness को कहते हैं,
डिस्पेयर जो है कंप्लीट होपलेसनेस को कहते हैं, दैट बिल्कुल ही वो होप खत्म हो जाए। एंड मोरसनेस एंड मोरसनेस मोरसनेस जो है सैड मूड को कहते हैं, ठीक है। इसे जो है ना बेसिकली इन इस क्राइटेरिया को जो है ना एम्प्टी मूड भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज जो है ना प्रेजेंट होनी चाहिए क्राइटेरिया बी में, अगर आप इंडिविजुअल को देख रहे हैं। डिप्रेशन दैट इज रेगुलरली वर्स, दैट इज रेगुलरली वेरी बैड इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में जब इंसान इंडिविजुअल नींद से उठता है और इफ वो इस स्पेसिफायर से सफर कर रहा हो, तो मॉर्निंग उठते ही जो है ना वो काफी शदीद किस्म की डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रहा होता है, मूड उसका काफी सैड होता है। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है, मतलब नॉर्मल वेकनिंग से तकरीबन दो दो घंटे पहले जो है ना जाके उठ जाते हैं। मार्क साइकोमोटर रिटार्डेशन और एजिटेशन, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया है कि साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन जो है ना इन पेशेंट्स में होती है। सिग्निफिकेंट एनोरेक्सिया और वेट लॉस हो जाता है, वेट एनोरेक्सिया खाने को दिल नहीं करता और इनकी जो वेट होती है वो नॉर्मल से भी ज्यादा कम हो जाती है, और एक्सेसिव और अप्रोप्रिएट गिल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें अगर इस ये सिक्स में से जो है ना थ्री और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट हो क्राइटेरिया बी में, और क्राइटेरिया ए में सिर्फ एक प्रेजेंट हो, तो फिर क्या होगा, हम मेलेनकोलिक फीचर डायग्नोसिस के साथ मेलेनकोलिक फीचर की स्पेसिफायर देंगे, ठीक है। विथ एटिपिकल फीचर्स, ठीक है, एटिपिकल फीचर्स में क्या है, दिस स्पेसिफायर कैन बी अप्लाइड व्हेन दिस फीचर्स प्रीडोमिनेट ड्यूरिंग द मेजोरिटी ऑफ डेज ऑफ द करंट एपिसोड, ठीक है, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। ये सिम्टम्स जो नीचे दिए गए हुए हैं, इस स्पेसिफायर को हम तब जाके देते हैं जब ये नीचे वाले सिम्टम्स डोमिनेट करे ड्यूरिंग द मेजर डिप्रेसिव एपिसोड मोस्ट ऑफ द डेज। फर्स्ट वन इज मूड रिएक्टिविटी। मूड रिएक्टिविटी वो कॉन्सेप्ट है जब इंसान हर टाइम सेड रहता है लेकिन फिर भी जो है ना जाके प्लेजर एक्टिविटीज की वजह से उसकी वो मूड जो है वो 50% तक जाके अफेक्ट हो जाती है पॉजिटिवली, ठीक है। मतलब उसके माइंड या मूड जाके थोड़ा सा चेंज हो जाता है पॉजिटिवली, ठीक है। तो इसे हम मूड रिएक्टिविटी कहते हैं। इसमें ए तो ये था, बी है टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर, सिग्निफिकेंट वेट गेन हो जाता है या इंक्रीज इन एपेटाइट, खुराक में जो है इंक्रीज आ जाती है। अच्छा, इसके साथ हाइपरसोमिया, नींद ज्यादा हो जाती है, लेडन पैरालिसिस स्टार्ट हो जाती है, हैवी फीलिंग्स इन आर्म्स और लेग्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है एटिपिकल फीचर में। अच्छा, जो इंटरपर्सनल सोशल और ऑक्यूपेशनल इंपेयरमेंट में या इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी इनकी होती है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट सोशल और ऑक्यूपेशनल इंपेयरमेंट इनको स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द क्राइटेरिया आर नॉट, अच्छा, ड्यूरिंग एटिपिकल फीचर क्राइटेरिया कभी भी जो है ना मेलेनकोलिक फीचर्स के लिए एंड कैटाटोनिया के लिए मेट नहीं होते, ठीक है। तब जाके जो है ना हम विद एटिपिकल फीचर्स के साथ वो डायग्नोसिस देते हैं। विद साइकोटिक फीचर, साइकोटिक फीचर के साथ हम कैसे वो करते हैं प्रेजेंट करते हैं बेबी को या इंडिविजुअल को आफ्टर, उसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, दैट बच्चा जब हो जाए उस दौरान या उसकी 2 वीक्स के अंदर, 4 वीक्स के अंदर अंदर अगर बच्चा सॉरी जो मदर होती है वो सफर करना स्टार्ट कर लेती है, तो वो उसे हम जो है ना बेसिकली पोस्टपार्टम, ये जो है ना अभी मैंने एक्सप्लेन किया है तो ये कर लेते हैं, फिर साइकोटिक की तरफ चले जाते हैं। पीरिपार्टम भी कहते हैं, पोस्टनेटल भी कहते हैं, पोस्टनेटल ऑनसेट भी कहते हैं, पोस्ट पार्टम भी हम इसे कहते हैं और प्रीपार्टम भी हम इसे कहते हैं। इसमें जो होता है क्या होता है बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वो डिलीवरी के बाद जो है ना आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे की डिलीवरी के बाद। दिस स्पेसिफायर कैन बी अप्लाइड टू द करंट और इफ द फुल क्राइटेरिया आर नॉट करेंटली मेट फॉर द मूड एपिसोड, ठीक है। अगर क्राइटेरिया मीट हो रही हो या ना मीट हो रही हो, मोस्ट रिसेंटली फॉर मेनिया हाइपोमेनिया और मेजर डिप्रेसिव इन बाइपोलर वन और बाइपोलर टू, इफ ऑफसेट ऑफ मूड सिम्टम अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इन द 4 वीक्स फॉलोइंग डिलीवरी, इन द 4 वीक्स फॉलोइंग डिलीवरी मतलब डिलीवरी के 4 हफ्तों के अंदर अंदर अगर बाइपोलर वन बाइपोलर टू के
सिम्टम्स आ जाते हैं या डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो फिर हम कौन सा वो देंगे विद प्रीपार्टम ऑनसेट का, वो जाके हम स्पेसिफाई देते हैं। कैटाटोनिया का किस तरह है, कैटाटोनिया जो है ऑलरेडी हमने इन डिटेल साइकोटिक्स स्किज़ोफ्रेनिया चैप्टर में जो है ना जाके पढ़ा हुआ है। इसके क्राइटेरिया अगर वो सिम्टम्स बाइपोलर वन या बाइपोलर टू के साथ आते हैं तो फिर हम जाके कैटाटोनिया की जो है ना वो स्पेसिफाई प्रोवाइड करते हैं। दिस स्पेसिफायर कैन अप्लाई टू एन एपिसोड ऑफ मेनिया और डिप्रेशन इफ कैटाटोनिक फीचर्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द एपिसोड। ठीक है, अच्छा अब ये साइकोटिक की तरफ आ जाते हैं, फिर लास्ट वन है सीजनल, उसकी तरफ जाएंगे। विद साइकोटिक फीचर डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आर प्रेजेंट एट एनी टाइम इन द एपिसोड। ठीक है, साइकोटिक फीचर जब हम दे रहे होते हैं इंडिविजुअल को तो वहां पे फिर आता है दैट हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं उस एपिसोड में। इफ साइकोटिक फीचर्स आर प्रेजेंट तो हमने स्पेसिफाई करना होता है कि वेदर मूड कॉन्ग्रुएंट है या मूड इनकॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स हो तो ड्यूरिंग मैनिक एपिसोड क्या होगा, ड्यूरिंग मैनिक एपिसोड या डिप्रेसिव एपिसोड क्या होगा, उसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, विद टिपिकल मैनिक थीम्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब मैनिक सिम्टम्स हो गए हैं या डिप्रेसिव सिम्टम्स हो गए हैं अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो। ठीक है, बट उस मैनिक या डिप्रेसिव थीम के साथ साथ इसमें जो साइकोटिक थीम्स है, मतलब सस्पिशियसनेस, पैरानोया हो गई है, दूसरों पे शक शोभा करना, एकम्प्लिशमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिल्यूजन्स के साथ साथ जब मैनिक थीम साथ हो जाती है तो, या मूड थीम साथ हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स। ठीक है, बट अगर कंटेंट ऑफ डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन कंटिन्यूसली प्रेजेंट नहीं होता विद एपिसोड ऑफ मैनिक एपिसोड या एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड या ऑन ऑफ प्रेजेंट रहती है, तो फिर हम मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स के स्पेसिफायर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक अभी तक जो पढ़ा है? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. कोई क्वेश्चन हो? Yes, sir. No, sir, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, ये चीजें क्लियरली लाइक इजीली समझ आती है, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है? क्या सर? और साथ में डीएसएम आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं? जी सर, पढ़ रहे हैं। बस ये अच्छा कर रहे हैं ना, उसमें जो है ना आप लोग जब भी डीएसएम पढ़ रहे हो ना तो साथ में पेंसिल से जो मुश्किल वर्ड्स हो ना तो साथ में जो है ना पेंसिल से उसके ऊपर जो है ना अपने लिए वो मीनिंग लिखा करें, तो फिर आप क्योंकि ये चीजें आप लोग आगे भी जाके एमएस में अगर आप लोग क्लिनिकल में करना चाहते हो या डिप्लोमा करना चाहते हो तो उसमें भी आप लोग को पढ़ना होगा। तो अभी से अगर आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ये वो हार्ड वर्ड्स और ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज आपके माइंड में बैठेंगी तो आगे जाके आप लोग के लिए काफी ईजी होगा। सीजनल पैटर्न, लास्ट स्पेसिफायर, ये सीजनल पैटर्न आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा कि सीजनल पैटर्न से क्या मतलब। सीजनल पैटर्न मतलब एक खास महीना, एक खास दिन होते हैं जिसमें जो है ना वो डिप्रेशन के या मेनिया के जो है ना वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं विदाउट एनी इवेंट। बस उन्हीं महीनों, उन्हीं डेज में जो है ना जाके वो चीज विदाउट एनी रीजन आ जाती है। ठीक है, दिस स्पेसिफायर अप्लाइज टू द लाइफ टाइम पैटर्न ऑफ मूड एपिसोड्स। ठीक है, the essential feature is a regular seasonal pattern of at least one type of episode. ठीक है, regular seasonal pattern आ रहे होते हैं इसमें। ठीक है, at least one type of episode या तो mania की seasonal pattern होती है या hypomania की या depression की। ठीक है, अब इसकी criteria क्या है, हम कैसे diagnose करते हैं seasonal के साथ। the other type of episodes may not follow this pattern. ठीक है, for example an individual may have seasonal manias but his or her depression do not regularly occur at a specific time of year. ठीक है, like एक बंदा है उसे seasonal mania है but ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरे episode हो वो भी seasonal हो। ठीक है, maybe वो irregular हो, कभी आ जाते हैं, कभी कौन से महीने में आते हैं, कभी कौन से महीनों में आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह ने यहाँ पे depression की example ली हुई है that do not regularly occur at specific time of the year, वो कभी भी जाके आकर हो सकती है या डिस्प्ले हो सकती है उसके सिम्टम, जबकि मेनिया सीजनल मेनिया है उसका एक खास
महीना है, खास दिन है, जिस तरह मुझे सीजनल माइग्रेन है ना, आधे सर का दर्द, वो मुझे हर साल जो है अप्रैल के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाता है मुझे, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या है, विदाउट एनी इवेंट, विदाउट कोई टेंशन या एनजाइटी, जो है ना मुझे जो है ना ये सीजनल माइग्रेन, आधे सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है मेरे, ये मेरा सीजनल माइग्रेन हेडेक बीमारी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, देर हैज बीन अ रेगुलर टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑनसेट ऑफ मैनिक हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एंड अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। एक खास टेम्पोरल टाइम का रिलेशनशिप है किस चीज के दरमियान, ऑनसेट ऑफ मैनिक मैनिक एपिसोड के दरमियान, हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के दरमियान एंड अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर के दरमियान, ठीक है। फॉल भी हो सकता है, विंटर भी हो सकता है, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड केसेस इन विच देयर इज एन ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ सीजनल रिलेटेड साइकोसोशल स्ट्रेसर। अगर सीजनल रिलेटेड साइकोसोशल स्ट्रेसर है तो उस दौरान फिर हम सीजनल पैटर्न का जो है वो स्पेसिफाई नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंद सीजनल एग्जाम्स होते हैं मार्च अप्रैल में, ठीक है, मैट्रिक वालों के जो बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं, और उसकी वजह से अगर वो डिप्रेशन में जाते हैं या और किसी बीमारी में, ठीक है, तो उस दौरान फिर हम सीजनल पैटर्न का जो है ना, या सीजनल पैटर्न स्पेसिफायर जो है जाके प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जो है ना एक साइकोसोशल स्ट्रेसर आ गया है, एक इवेंट आ गया है जिसकी वजह से वो उस एपिसोड की तरफ जाके प्रोन हो गए हैं, ठीक है। फुल रिमिशन होती है जब वो टाइम गुजर जाता है। फुल रिमिशन आल्सो अकर एट अ करेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ द ईयर, फॉर एग्जांपल डिसअपीयर इन द स्प्रिंग। अगर फॉल में आता है तो जाके दो महीने, एक महीने वो रहता है, फिर जाके स्प्रिंग में, ऑटम में जो है ना जाके वो डिसअपीयर हो जाते हैं, फुल रिमिशन हो जाती है उन सिम्टम्स की। In the last 2 years, the individuals manic or hypomanic or major depressive episode have demonstrated a temporal seasonal relationship. Last 2 years में जो है ना basically ये temporal relationship basically observe किया गया होता है between the episodes of mania, hypomania and major depressive disorder and a specific season, ठीक है, and no seasonal episode or इसके Lava, there is no seasonal episode of the polarity have occurred during the 2 years period. अगर एक gap भी आ जाता है तो फिर हम seasonal pattern की जो है ना वो नहीं देंगे, ठीक है। Continuous 2 years रहेगा तो फिर जाके हम seasonal pattern की specifier दे सकते हैं। Seasonal manias, hypomanias or depression substantially outnumber any non-seasonal manias, ठीक है, like they are severe than those manias who which are non-seasonal, मतलब जो non-seasonal में जो है ना आ रही होती है mania, hypomania or major depressive disorder, ठीक है। तो basically जो seasonal manias है they are in outnumber, मतलब इनसे ज्यादा है जो non-seasonal है, इनसे ज्यादा number में पाई जाती है लोगों में, ठीक है। इसके बाद, अच्छा ये खत्म हो गया है, इसके बाद specify if partial remission है, whether half of the system, whether half of the criteria या half of the recovery हुई है या नहीं हुई, तो फिर आप partial remission देते हैं। आप full remission, whether full recovery हुई है बीमारी से, तो फिर जाके हम full remission की जो है ना वो देते हैं। During the past 2 months, no significant signs or symptoms of the disturbance are present, ठीक है। Specify current severity, इसमें mild, moderate and severe है, ठीक है। माइल्ड में क्या है, इफ एनी सिम्टम इन एक्सेस ऑफ दोस रिक्वायर्ड टू मीट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आर प्रेजेंट, ठीक है। फ्यू सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की मीट के लिए जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्टम इज डिस्ट्रेसिंग बट मैनेजेबल, जो इंटेंसिटी सिम्टम्स की होती है वो डिस्ट्रेसिंग होती है बट इजिली मैनेजेबल होते हैं। एंड द रिजल्ट, द सिम्टम्स रिजल्ट इन माइनर इम्पेयरमेंट इन सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, और ये माइनर इम्पेयरमेंट इसकी वजह से सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग की वजह से आती है। मॉडरेट का क्या होता है, द नंबर ऑफ सिम्टम्स, इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स और जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है आर दोस बिटवीन स्पेसिफाइड फॉर माइल्ड एंड सिवियर, मतलब मॉडरेट में जो है वो माइल्ड एंड सिवियर के दरमियान के जो सिम्टम्स होते हैं उस लेवल की रहती है, और सिवियर फिर आपको पता होगा कि जो नंबर ऑफ सिम्टम्स है वो बिल्कुल टॉप पे होती है, उसकी इंटेंसिटी टॉप पे होती है, और इसकी वजह से जो सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड जो एकेडेमिक फंक्शनिंग है वो सारी एरियाज बुरी तरह जाके अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
जी सर। अच्छा, अब आते हैं आगे, डिप्रेशन का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है बेसिकली करैक्टराइज होते हैं, लाइक जितने भी ये डिसऑर्डर है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, ये करैक्टराइज होते हैं बाय सैड एम्प्टी और इरिटेबल मूड। इरिटेबल मीन हर टाइम खराब मूड रहना, लाइक किसी से सही तरीके से बात ना करना और हर टाइम मूड सेट रहना, एम्प्टी रहना, ठीक है। Accompanied by somatic and cognitive changes. Somatic related to your body and cognitive changes इसके वजह से आ रही होती है, जो कि significantly affect कर रही होती है individual की capacity के, जो कि उसके function में अपना role play कर रहे होते हैं। Depressive disorder में basically disruptive mood dysregulation disorder आ जाता है, major depressive disorder आ जाता है, persistent depressive disorder आ जाता है, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर आ जाता है। ये प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिम्टम्स, बट उनको जो है ना अंदाजा ही नहीं होता कि हम बेसिकली इस चीज से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें, अगर हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिसरप्टिव से लेके प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक तक पढ़े, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंस्टेड ये सब्सटेंस ऑलरेडी हमने जो है ना प्रीवियसली भी काफी ज्यादा पढ़ ली है, सेम क्राइटेरिया है सारे डिसऑर्डर्स के लिए इनका, ठीक है। तो इनके पढ़ने का कोई लाइक वही सिर्फ मसला ये होगा कि स्लाइड जो है इसकी वजह से जो है ना हैवी होगी, मुझे पढ़ाने में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को जो है ना ऑलरेडी इन डिसऑर्डर की समझ आई हो, सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस बाइपोलर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस डिप्रेसिव, सब्सटेंस इंड्यूस मेडिकेशन उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अगर ये चीजें आपको समझ आई हो तो फिर मैं इसे ऐड नहीं करूंगा। आप लोग क्या कहते हो? जी सर ठीक है, ऐड मत करें, क्या चीज? ऐड मत करें, बस हम पीछे से बढ़ेंगे। हाँ ना, आप और क्या कहते हो ना, जो बाकी सारे स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है, आप लोग क्या कहते हो, ऐड करें या नहीं? सर अब हम भी एग्री है सर। क्योंकि ये जो है ना सिर्फ, मैं वही कह रहा हूँ ना, सिर्फ एक लाइन का फर्क होगा, दैट सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सिर्फ वो बाइपोलर की जगह बस डिप्रेशन का नेम आ जाएगा, ठीक है। बाकी बाकी क्राइटेरिया वही होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसकी वजह से जो है ना काफी स्लाइड भी हैवी होंगे और इसकी वजह से हमें टाइम भी जो है ना काफी मिल जाएगा और डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए इस सेमेस्टर में, ठीक है। अच्छा, अनलाइक इन DSM-4 दिस चैप्टर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। DSM-4 में जो है ना एक मूड डिसऑर्डर फुल चैप्टर होते थे, फिर जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर को जो है ना सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। अब इनको डिफरेंट, अच्छा जितने भी ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं ये सारे जो है ना डिफरेंशिएट होते हैं किस चीज के बेस पे, इश्यूज ऑफ ड्यूरेशन पे, टाइमिंग पे, एंड जो इनकी प्रिज्यूम इथियोलॉजी होती है उसके बेस पे, ठीक है। इसमें फर्स्ट डिसऑर्डर जो है वो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का आ जाता है, ठीक है। तो अभी टाइम भी इसका इस लिंक का खत्म हो रहा है, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, काइंडली आप लोग उसे क्विकली ज्वाइन करें, दैट ये 5-6 स्लाइड्स हैं ये करें, तो फिर आप लोग की बस एग्जाम के बाद फिर क्लास होगी, ठीक है।